इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं जलगांव के काव्य रत्नावली चौक पर। काव्य रत्नावली चौक, इसे HDFC बैंक का चौक भी कहा जाता है। यहां पर हर साल जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जो है उनकी तरफ से एक सजावट की जाती है दीपावली के अवसर पर और सभी त्यौहारों के अवसर पर यहाँ पर सजावट की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जैन इरिगेशन सिस्टम द्वारा इस चौक को दत्तक ले लिया गया है और यहाँ पर जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड की वजह से आसपास जो भी परिसर है वो साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर रहने लगा है, जिसमें से भाऊ का उद्यान जो है वो एक है। मैं आप लोगों को कैमरा मूव करके दिखाता हूँ कि किस तरह से चौक पर यह दीपावली के लिए जगमगाती हुई सजावट की गई है। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर दीपावली की जगमगाहट है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से एक बड़ा कंदिल बनाया गया है और उस कंदिल पर रोशनी जो है वो जगमगा रही है। मैं आप लोगों को सभी तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। आप अभी जो देख पा रहे हैं ये है, देखिए सामने दिख रही है जो लाइट्स, ये लाइट्स है भाऊ के उद्यान पर जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पर लाइट्स लगाई गई है। इस तरीके से जो महात्मा गांधी उद्यान है उसका भी सुशोभीकरण जैन इरिगेशन सिस्टम ने लिया था और जैन इरिगेशन सिस्टम उसे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा रखा है इन्होंने। आगे चलेंगे और आगे चलकर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भाऊ बीज, दीपावली, बलि प्रदा, ये सारी चीज़ों की जो सजावट होती है वो यहाँ पर की हुई है। आपको जो कुछ स्लोगन्स लिखे हैं वो आप पढ़ पा रहे होंगे, तो आप लोग पढ़ के देखिए। यहाँ पर ये सजावट की गई है और सिर्फ यही नहीं, चारों तरफ इसी तरीके के पोस्टर्स हैं आप देख पा रहे होंगे। तो बलि प्रतिप्रदा जो है इसका भी एक पोस्टर यहाँ पर बनाया गया है, लक्ष्मी पूजन का पोस्टर बनाया गया है और ये अच्छा खासा, देखिए अच्छा खासा दिया है यहाँ पर, बड़ा बड़ा सारा देखिए। तो आप लोग आइए, यहाँ पर जलगांव का काव्य रत्नावली चौक है, इस काव्य रत्नावली चौक में आप लोग आकर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से और क्या क्या सजावट की गई है। नरक चतुर्दशी, पूरी तरह से जो भी हमारे त्यौहार होते हैं उसको जैन इरिगेशन सिस्टम जब यहाँ पर सजावट करता है तो पूरी तरह से सब कुछ समझाने का काम भी करता है। जो भी त्यौहार होता है यहाँ पर, मतलब भारत भर में, ये भारत भर में होने वाले सभी त्यौहारों को यहाँ पर हमेशा इस चौक पर सजावट की जाती है, जानकारियाँ दी जाती है, तरह तरह के बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको आपके त्यौहार के बारे में कुछ जानकारी भी चाहिए होगी तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको आपके त्यौहार की जानकारियाँ तो बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। मेरे पीछे आप जो दिया देख रहे हैं, एक दीपक देख रहे हैं, कंदिल देख रहे हैं बड़ा सारा, अगर उसको आप लाइव देखना चाहते हो तो काव्य रत्नावली चौक में पधार जाइए। जय हिंद।